देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में मिडिल क्लास से लेकर मध्यवर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए नए साल के मौके पर अपनी माइक्रो एसयूवी कार YTB को लॉन्च करने की तैयारी पूरे भारत में कर चुकी है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मार्केट में YTB एक ऐसा कोड नेम है जिसकी चर्चा आज से नहीं काफी लंबे समय से हम मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सुनते आ रहे हैं। अब भारत की बारी है जब इस कार को मार्केट में जल्द से जल्द डिमांडो को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया जा रहा है। बता दें कि मार्केट में YTB को कई बार टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कें और ऑटो एक्सपो में हम देख चुके हैं। ये कार अपने फीचरस डिजाइन के चलते मार्केट में कई माइक्रो एसयूवी कारों से बड़ी और चौड़ी भी नजर आती है। कह सकते हैं कि इस कार में बैठने के बाद आपको पूरा फुल साइज एसयूवी वाला फील आने वाला है। मारुति सुजुकी ने इस कार को पूरा मेड इन इंडिया तैयार किया है, जिसके चलते कार में शानदार फीचर्स और लंबी लिस्ट, और इस कार को मार्केट में कम दामों में कई मिडिल क्लास से लेकर मध्यवर्गीय परिवारों के लिए काफी खास प्रोडक्शन बना देती है। मार्केट में YTB एक शानदार विकल्प है जिसमें आपको शानदार लुक, दमदार इंजन और यहाँ तक कि शानदार सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मार्केट में आने वाली YTB में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। मार्केट में आने वाली YTB को इस बार काफी खास इस कार का लुक और मिलने वाले शानदार डिजाइन बनाने वाला है, क्योंकि एक बार भारत में पहले से मौजूद कई माइक्रो एसयूवी कारों से काफी अलग और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ एक स्पोर्टी फील लेके मार्केट में नजर आ रही है। बता दें कि YTB को चाहने वाले भारत में अभी से ही इस कार को बुक करने के लिए आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए आपको इस कार के लुक और डिजाइन से ही मिलवा दे कि क्या कुछ खास इस कार में देखने को मिलता है जिसने मार्केट ही पूरा हिला रखा है। तो आने वाली YTV को आप इस वीडियो के अंदर साफ साफ देख लीजिए। कार अपने 4x2 के डिजाइन में भारत में नजर आ रही है। मारुति सुजुकी ने इस कार में फ्रंट लुक पे अपने स्लिक प्रोजेक्टर लाइनअप का सेटअप डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ ऐड कर डाला है, जिसमें लगे बड़े बड़े फॉग लैंप भी इस कार को मार्केट में खास बनाते हैं। आने वाली YTV में आपको न्यूर 89 अपडेट ग्रिल वो भी क्रोम अंदाज के साथ ही बॉडी टू लाइनअप डिजाइन में नजर आती है, और बीच में सुजुकी का लोगो भी इस कार की स्पोर्टी लुक को और भी बरकरार रखता है। एग्रेसिव लुक के चलते मार्केट में इस कार को और भी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। साइड प्रोफाइल पे गौर किया जाए तो देख लीजिए YTV में आपको 17 इंच के बड़े टायर कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ मिलने वाले हैं, जो कि कार में और भी ज्यादा खास है। और साथ ही साथ ऑफ रोडिंग का सफर भी काफी कम दामों में ये कार पूरा करने वाली। देख पा रहे कि मार्केट में आने वाली YTV का ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय बाजार के तंगरस्ते उबर खाबड़ सड़कों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, जिसके चलते आप ऑफ रोडिंग से लेकर पथरीले रास्ते और हर रास्तों पे ये दौड़ पाने में अपने स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम सिस्टम के साथ कम्फर्ट भरी राइड भी आपको देने वाली है। YTV में और बदलावों की बात कर ली जाए तो इस कार में आपको नए हैंडल्स बार शानदार लॉकिंग सिस्टम के साथ मिलने वाले है, जो कि आज के स्मार्ट कारों में नजर आते हैं। साथ ही साथ इस कार के कम बजट में भी आपको दोनों साइड एक्शन कैमरे से प्रणाली मार्केट में YTV जैसे सेगमेंट की कार को काफी स्टाइलिश भी बना देती है। भारत में YTV को 5 कलर कॉम्बिनेशन और डुअल टोन थीम पे लॉन्च किया जाएगा, है ना कमाल की बात। तो ओवरऑल लुक के मामले में तो YTV ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। तो वीडियो में आपने देख लिया कि आखिरकार मार्केट में YTV पूरे तरीके से लॉन्च होने को तैयार हो चुकी है। काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली इस कार को नए साल के मौके पर लॉन्च किया जाना है। भारत में YTV काफी जबरदस्त लुक के चलते मार्केट में नजर आ रही है, जिसके चलते ग्राहक इस कार का दीवाना होते चले आ रहा है। जितना कार खूबसूरत भी दिखाई देती है, उतना इस कार में एक दमदार इंजन का इस्तेमाल भी आज के स्मार्ट जमाने को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, और इसी पेट्रोल के दाम को जमीन पे लाने के लिए मारुति सुजुकी ने अपनी YTV जैसी माइक्रो एसयूवी कार में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस इंजन प्रणाली का इस्तेमाल कर डाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए YTV के फाइनली इंजन तथा पावर की बात कर ली जाए तो आने वाली YTV भारतीय बाजार में अपने 1.5 लीटर से लेकर 2.5 लीटर के 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 2 विकल्प ऑप्शन में संचालित की जाएगी, जो कि भारतीय बाजार की सड़कों पर 270 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 390 Nm तक का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। आने वाली YTV 5 स्पीड EMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन के साथ आएगी। माइलेज और परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो जी हाँ, मार्केट में माइक्रो एसयूवी कारों में माइलेज भी देखना जाता है, और इस बार YTV का माइलेज प्रति लीटर में आपको 30 से लेकर 32 के आसपास नजर आ रहा है।
भारत में आने वाली YTP को आपने इस वीडियो में देखा कि कितने शानदार लुक और दमदार इंजन के साथ नजर आ रही है। मगर आज के स्मार्ट जमाने में ग्राहक अपने कम बजट में कार तो लेना ही चाहता है, मगर उस कार के अंदर शानदार फीचर्स को भी तलाशता है। और यही मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए YTP जैसे प्रोडक्शन के अंदर 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स और एक दमदार इंटीरियर आपको कम बजट में दे डाला है, जिसके चलते इस छोटी कार के अंदर भी आपको बड़ा धमाका शानदार प्रीमियम फील तक मिलने वाला है। तो आइए मार्केट में आने वाली YTV के फाइनल अब इंटीरियर और फीचर्स की बात कर ली जाए, क्या कुछ खास इस कार में देखने को मिलता है। तो आने वाली YTV के आप डैशबोर्ड पे नजर डालिए, ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ वुडन का लाइनअप आपको इस कार में दिखाई देता है। साथ ही साथ इस कार में दोनों साइड आपको ऑटोमेटिक AC वेंट्स की प्रणाली, जो कि मार्केट में YTV को काफी खास बनाती है। आने वाली YTV में आपको 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन कई हद तक जानकारी इस कार में साझा करता है। और इस बार मारुति सुजुकी ने अपनी माइक्रो SUV कार के अंदर एक 9 इंच के फुल साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर डाला है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का अपने सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम और UBI कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे शानदार फीचर्स के मजे आप अपनी YTV में लेने वाले हैं। है ना कमाल की बात। चलिए इस कार के और भी एडिशनल फीचर्स से आपको मिलवाए कि इस कार में क्या कुछ खास है। इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग, पुशन स्टार्ट स्टॉप बटन, पावर विंडो, मौसी के 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन म्यूजिक सुनने वालों को दीवाना बनाने वाले है। ये तो हो गई कार के कुछ धमाकेदार फीचर्स की बात। चलिए कम्फर्ट की बात कर ली जाए, तो मार्केट में इस कार को छोटे पैकेज में बड़ा धमाका कहा जा रहा है, क्योंकि इस कार में महंगी सेगमेंट वाली सीटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है। देख पा रहे कि कार में फ्रंट साइड में आपको अपोल सीट्स का सेक्शन देखने को मिलता है, जिसके चलते आप अपनी कार के सीटिंग ऑप्शन को एक ही बटन द्वारा 360 एंगल तक ऑपरेट कर सकते हैं। यहां तक कि कार की सीटों को बाहर भी निकाल सकते हैं। आने वाली YTV में आपका शानदार स्पेस और बूट स्पेस पे नजर डाले तो 5 लोगों के बैठने के लिए फिट ये कार अपने सामान रखने तक का स्पेस लेके मार्केट में शानदार विकल्प में हाजिर हो चुकी है। तो ओवरऑल लुक और शानदार डिजाइन फीचर्स से भरी ये कार मार्केट में पैसा वसूल प्रोडक्शन मार्केट में मारुति सुजुकी का होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी ने कड़ा कंपटीशन अपनी YTV को लाके मार्केट में खड़ा कर दिया है, जिसके चलते अब एक आम बजट वाला इंसान भी अपनी SUV कार लेने का सपना अपनी YTV जैसी कार के साथ पूरा कर सकता है। मारुति सुजुकी की कारों को टीन का डब्बा आज तक हम सुनते आए हैं, मगर इस बार कंपनी ने अपने प्रोडक्शन और लाइनअप को चेंज करके नए स्मार्ट जमाने के साथ सेकेंड जनरेशन लाइनअप का इस्तेमाल कारों के लिए किया है, जिसमें कई रीडिजाइन मॉडल्स आपको लॉन्च होते हुए भारत में काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ नजर आ रही है। और इस बार मारुति सुजुकी ने YTV जैसी छोटी माइक्रो SUV कार को भी सेकेंड जनरेशन लाइनअप में डिजाइन किया है, जिसके चलते 80% तक स्टेनलेस स्टील की दमदार बिल्ड क्वालिटी और यहाँ तक कि ग्लोबल NCP क्रेस्टेस मानकों का टेस्ट के तहत इस कार को 4.5 की रेटिंग भी मिल चुकी है। ना कमाल की बात है। चलिए बात कर ली जाए YTV के लॉन्चिंग तथा कीमत की बात, तो मार्केट में इस कार को हम सभी के लिए जनवरी तक लॉन्च किया जाएगा। कार के बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग कीमत 3.90 लाख रुपीस एक्सट्रीम प्राइस से होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो कर दीजिएगा अपना एक खूबसूरत सा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।